हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी यूअर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इलेक्ट्रिक डायपोल के आज के इस लेक्चर में देखो हम क्या पढ़ेंगे, फोर्स ऑन डायपोल फाइंड आउट करेंगे। जब वो डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ होगा या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ होगा, ठीक है। और फिर हमें पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक डायपोल पर फोर्स फाइंड आउट करेंगे। और फिर उसके बाद में बिटवीन डायपोल्स फोर्स फाइंड आउट करेंगे इन वेरियस ओरिएंटेशंस। तो आज का टॉपिक है फोर्स ऑन डायपोल। तो फर्स्ट केस देखो, जब मेरा डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ हो, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस डायपोल पे फोर्स कितना आएगा। तो देखो, मान लो स्पेस में कुछ ऐसे करके यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है ए, और ये मेरा डायपोल हो गया, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, और सेपरेशन बिटवीन दीज टू पॉइंट चार्ज इज टू ए। डायपोल मोमेंट ऐसे आएगा पी इज इक्वल टू क्यू इन टू में टू ए, और मान लो ये एंगल थीटा। तो इस पॉजिटिव चार्ज पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ऐसे इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग क्यू इन टू में ए। इस नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आएगा क्यू इन टू में ए। तो देखो, नेट फोर्स तो जीरो है इस इलेक्ट्रिक डायपोल पे जब ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ हो, क्योंकि इस क्यू ई और इस क्यू ई का रिजल्टेंट जीरो हो गया। हाँ, लेकिन टॉर्क जरूर आएगा इस एक्सिस के अबाउट, वो माइनस पी ई साइन थीटा आता है। हालांकि इस लेक्चर में हम टॉर्क के बारे में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब देखो, जब मेरा डायपोल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ हो, तो उस डायपोल पे फोर्स कितना आएगा। तो सबसे पहली होगी हमारी फर्स्ट अप्रोच, ठीक है। तो देखो, मान लो ये डायपोल है बिल्कुल छोटा सा, शॉर्ट डायपोल, शॉर्ट डायपोल्स को ही लेके चलेंगे हम, ठीक है। ये माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये आएगी। डायपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, क्यू इंटू में ये दूरी। तो देखो, मान लो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, और यहां से आर डिस्टेंस दूर, मतलब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ए, और मान लो ये है डी आर, वेरी स्मॉल, शॉर्ट डायपोल है ना, मतलब यहां से R प्लस डी आर डिस्टेंस दूर, मतलब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी मान लो E प्लस डी ई, ठीक है। तो देखो, इस पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स ऐसे आएगा कितना, Q इंटू में E प्लस डी ई, बिल्कुल सही बात है। इस नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स ऐसे आएगा कितना, Q इंटू में E। तो अब देखो, जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगा नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, वो क्या होगा, क्यू इंटू में डी आर, ठीक है। तो नेट फोर्स कितना आया, देखो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लूंगा, इस डायरेक्शन को नेगेटिव, ठीक है। तो क्यू इंटू में ई प्लस डी ई माइनस क्यू ए, तो ये कितना आ गया, क्यू इंटू में डी ई आ गया। तो अब देखो, मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, ये जो नेट फोर्स आया है इस डायपोल पे, जब ये डायपोल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो नेट फोर्स कितना आया, क्या वो इंटू में डी ई, तो बाय में डी आर कर दो, इंटू में डी आर कर दो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो क्या वो इंटू में डी आर इंटू में डी ई बाय डी आर, क्या वो इंटू में डी आर क्या है, इस इलेक्ट्रिक डायपोल का डायपोल मोमेंट, मतलब पी, तो पी इंटू में डी ई बाय डी आर आ गया, ठीक है। और देखो, ये जो डी ई बाय डी आर है ना, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट, ठीक है, और पी उस डायपोल का डायपोल मोमेंट। और देखो, इस फर्स्ट अप्रोच का आप यूज तभी कर सकते हो, वी कैन यूज फर्स्ट अप्रोच जब आप डायपोल के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर पाओ,
व्हेन वी कैन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग डायपोल। ठीक है, और अब देखो एक सेकंड अप्रोच भी है, मतलब जब मेरा इलेक्ट्रिक डायपोल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ हो तो जो उस पर फोर्स आएगा एफ फ्रॉम सेकंड अप्रोच वो आएगा माइनस डी यू बाय डी आर। यू क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल। ठीक है, इसको आपको याद रखना होगा। और इस सेकंड अप्रोच को आप यूज तभी कर सकते हो जब फोर्स रेडियस वेक्टर के अलोंग आएगा। व्हेन फोर्स अलोंग रेडियस वेक्टर। ठीक है, तो अब देखो एक बेसिक चीज, फोर्स बिटवीन पॉइंट चार्जेस, मान लो ये क्यू वन और ये क्यू टू। देखो ये डायपोल नहीं है कोई, दो पॉइंट चार्जेस है, इनके बीच की सेपरेशन है आर, और ये वैक्यूम में है, फ्री स्पेस में है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ ये इस पे ऐसे रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा, मान लो दोनों पॉजिटिव है एफ, ये उतना ही ऐसे रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा इस पे क्यू टू पे एफ। तो ये एफ कितना था? 1/4 πε0 क्यू वन क्यू टू बाय में आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये कोई इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं है, ठीक है ना, लेकिन आपको इसका पता होना चाहिए और कुछ नहीं है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। सबसे पहले एक छोटे से डायपोल पे, मतलब शॉर्ट डायपोल पे फोर्स फाइंड आउट करेंगे ड्यू टू पॉइंट चार्ज। और ये जो हमने फर्स्ट अप्रोच और सेकंड अप्रोच जो अभी हमने ड्राइव की है उनको मैं यहाँ पे कॉर्नर पे लिख लेता हूँ क्योंकि उनका यूज हो सकता है। ठीक है, तो देखो फोर्स ऑन डायपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम फर्स्ट अप्रोच, इसको हमने ड्राइव किया था, ये क्या था? F इज इक्वल टू पी डी ई बाई डी आर। डी बाई डी आर क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट। P डायपोल मोमेंट ऑफ दैट डायपोल जिसपे हम फोर्स निकालना चाहते थे, ठीक है, जो कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ था। तो इस फर्स्ट अप्रोच को यूज तभी किया जा सकता है व्हेन वी कैन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग डायपोल। और एक होती है सेकंड अप्रोच, जब मेरा इलेक्ट्रिक डायपोल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ हो तो उस पर जो फोर्स आएगा वो आएगा माइनस डी यू बाई डी आर। यू क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल। ठीक है, और इसको यूज तभी किया जा सकता है व्हेन फोर्स ऑन डायपोल रेडियस वेक्टर के अलोंग आए, फोर्स अलोंग रेडियस वेक्टर। ठीक है, तो अब देखो फर्स्ट केस, फोर्स ऑन डायपोल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो देखो मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज क्यों, और यहाँ पे एक छोटा सा डायपोल है, शॉर्ट डायपोल, डायपोल मोमेंट पी, और ये दूरी है आर। तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस डायपोल पे क्या फाइंड आउट करना है? फोर्स। ठीक है, तो देखो यहां से आर डिस्टेंस दूर ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी। ठीक है, और कितनी आएगी? 1/4 πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर। तो फर्स्ट अप्रोच का हम यूज तभी कर सकते हैं जब डायपोल के अलोंग हम इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर पाए, मतलब इस डायपोल पे जो पॉइंट्स है ना, इन पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर पाए ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज, और वो हम कर सकते हैं बिल्कुल। ठीक है,
तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज, ऐसे करके 1/4 pi epsilon naught Q/r2। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट अप्रोच का अप्लाई कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं इस डायपोल के अलोंग, मतलब डायपोल के अलोंग कहने का मतलब क्या है, इस डायपोल पे जितने पॉइंट्स है ना, इन पॉइंट्स पे ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकता हूँ ना, बिल्कुल। तो मैं उस फर्स्ट अप्रोच का यूज भी कर सकता हूँ टू फाइंड आउट फोर्स इन दिस डायपोल ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज। तो कितना आ जाएगा, P इंटू में DE/dr। तो P इंटू में DE/dr ये क्या हो जाएगा, Q/4 pi epsilon naught -2/r³। ठीक है, मैंने यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन भी कर दिया अंदर के अंदर। ठीक है ना। तो ये आ गया -2PQ/4 pi epsilon naught r³। ठीक है, देखो ये माइनस साइन क्या दिखा रहा है, माइनस साइन, नेगेटिव साइन कि इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस डायपोल पे फोर्स ऐसे आएगा, अट्रैक्शन फोर्स आएगा, क्योंकि इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं, इस डायरेक्शन को नेगेटिव मानते हैं। तो माइनस या नेगेटिव साइन शोज अट्रैक्शन फोर्स ऑन डायपोल बाय पॉइंट चार्ज क्यू। ठीक है, और कितना, 2PQ/4 pi epsilon naught r³, और ऐसे अट्रैक्शन फोर्स। अब देखो क्या मैं सेकंड अप्रोच का यूज कर सकता हूं, कब किया जाता है सेकंड अप्रोच का, यूज जब फोर्स रेडियस वेक्टर के अलोंग आए, रेडियस वेक्टर ही है ना, तो कहीं ना कहीं आप वैसे भी विजुलाइज कर सकते हो कि इस डायपोल पे इस पॉइंट चार्ज की वजह से जो फोर्स आएगा वो या तो ऐसे आएगा या ऐसे आएगा, मतलब रेडियस वेक्टर के कहीं ना कहीं अलोंग आएगा। हाँ, ये मेरे को पता चल गया फर्स्ट अप्रोच के रिजल्ट से कि इस डायपोल पे फोर्स ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज ऐसे आएगा, अट्रैक्टिव फोर्स। अगर मैं फर्स्ट अप्रोच अप्लाई ना करता तो वैसे भी आप फील कर सकते हो इसकी वजह से इस पे फोर्स या तो ऐसे आएगा, रिपल्सिव, या अट्रैक्टिव आएगा, मतलब कहीं ना कहीं इस रेडियस वेक्टर के अलोंग आएगा। तो यहाँ पे आप सेकंड अप्रोच का भी यूज कर सकते हो। तो उसके लिए यू फाइंड आउट करना होगा इस डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या होगी, -PE cos θ, -PE 1/4 pi epsilon naught Q/r² cos θ। अब इस डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, 0, तो cos 0 1, क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी ना, तो इस डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना, 0, तो cos 0 1। ठीक है, तो फोर्स कितना हो जाएगा, -DU/dr। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस, तो PQ/4 pi epsilon naught, और अंदर के अंदर मैं डिफरेंशिएशन भी कर रहा हूँ, -DU/dr, तो ये आ जाएगा -2/r³। ठीक है, तो यही आ गया, सेम आ गया, और आना भी चाहिए। कितना आया, -2PQ/4 pi epsilon naught r³। दोनों से रिजल्ट तो सेम आना चाहिए ना, आया भी है। अगेन नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है कि इस पॉइंट चार्ज के द्वारा इस डायपोल पे ऐसे अट्रैक्टिव फोर्स आएगा, और कितना, 2PQ/4 pi epsilon naught r³। ठीक है, अब हम फोर्स बिटवीन डायपोल्स फाइंड आउट करेंगे इन वेरियस ओरिएंटेशंस। फोर्स बिटवीन डायपोल्स, फोर्स बिटवीन डायपोल्स इन वेरियस ओरिएंटेशंस। देखो फर्स्ट ओरिएंटेशन क्या है, मान लो मेरे पास एक छोटा सा डायपोल ये है P1, दूसरा छोटा सा डायपोल ये है P2, इनके बीच की सेपरेशन है R। ठीक है, दोनों की डायरेक्शन सेम है डायपोल मोमेंट की, और दोनों सेम डॉटेड लाइन पे भी हैं, तो इनके बीच में फोर्स फाइंड आउट करना है। और मैं यहाँ पे क्या फाइंड आउट करने जा रहा हूँ, मान लो
इसकी वजह से इस पे फोर्स, मतलब फोर्स ऑन पी टू बाय पी वन वो फाइंड आउट करो। तो देखो क्या मैं फर्स्ट अप्रोच का यूज कर सकता हूं, पहले तो चेक करना होगा। तो देखो इसकी वजह से इस पे फोर्स फाइंड आउट करने जा रहे हो ना, तो इसकी वजह से यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, मतलब ये एक्सियल पॉइंट हो जाएगा इसका, और ऐसे आएगी ना 1/4 πε0 2P1/r³। तो फर्स्ट अप्रोच का यूज तभी कर सकते हो जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायपोल के अलोंग आप फाइंड आउट कर पाओ, मतलब इस डायपोल के अलोंग करेंगे, मतलब इन पॉइंट्स पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर पाओ इस डायपोल की वजह से। तो ये देखो ये सारे पॉइंट्स इस डायपोल के एक्सियल पॉइंट्स ही तो हैं, तो बस तो इन पॉइंट्स पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हो ना ड्यू टू दिस डायपोल। तो फर्स्ट अप्रोच का मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। तो देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ड्यू टू दिस डायपोल ऐसे करके ई, क्योंकि ये पॉइंट मतलब ये वाला इसका एक्सियल पॉइंट हो जाएगा ना, तो कितनी आएगी 1/4 πε0 2P1/r³। ठीक है, तो इस डायपोल पे इस डायपोल की वजह से फोर्स एफ वो क्या आ जाएगा P2dE/dr, जिस पे फोर्स निकाला जा रहा है ना उसका डायपोल मोमेंट आएगा यहाँ पे, किस पे निकाला जा रहा है P2 पे, तो मतलब P2 इंटू में DE/dr। ठीक है, तो DE/dr क्या हो जाएगा यहाँ से मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 2P1/4π0 −3/r⁴ ये हो जाएगा। तो कुल मिला के ये कितना आ गया −6P1P2/4π0 r⁴। ठीक है, ये आ गया। अब ये नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है कि इसकी वजह से इस पे ऐसे अट्रैक्शन फोर्स आएगा, अट्रैक्शन फोर्स ऑन P2/P1, क्योंकि इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं, इस डायरेक्शन को नेगेटिव मानते हैं। तो देखो क्या मैं यहां पे सेकंड अप्रोच का यूज कर सकता हूं। देखो सेकंड अप्रोच का यूज कब किया जाता है, जब फोर्स रेडियस वेक्टर के अलोंग आए। तो देखो मान लो मुझे फर्स्ट अप्रोच के रिजल्ट का पता ही ना हो, फिर भी आप अंदाजा लगा सकते हो, विजुअलाइज कर सकते हो थोड़ा बहुत कि कहीं ना कहीं इसकी वजह से इस पे फोर्स या तो ऐसे आएगा या ऐसे आएगा। हाँ ये पता चल गया इसकी वजह से इस पे फोर्स ऐसे आएगा, अट्रैक्शन फोर्स। लेकिन अगर आपको इसका पता ना भी हो तो आप इतना तो विजुअलाइज कर ही सकते हो कि इसकी वजह से इस पे या तो फोर्स ऐसे आएगा या ऐसे आएगा, मतलब कहीं ना कहीं रेडियस वेक्टर के अलोंग आएगा। तो मतलब सेकंड अप्रोच का आप यूज कर सकते हो, वी कैन मेक यूज ऑफ सेकंड अप्रोच टू फाइंड आउट फोर्स ऑन दिस डायपोल बाय दिस डायपोल फ्रॉम −dU/dr। उसके लिए यू पता होना चाहिए, मतलब इस डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी, और वो क्या होगी −P2E/4π0 2P1/r³ × cos θ, वो −PE cos θ, वो फार्मूला अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल θ0 cos 01, क्योंकि ये पॉइंट इस डायपोल का एक्सियल पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे इस डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायपोल मोमेंट के अलोंग आएगी 1/4π0 2P1/r³। ठीक है, तो ये कितना आ गया −2P1P2/4π0 r³। तो अब −dU/dr कर दो, f कितना आ जाएगा 2P1P2/4π0। अंदर ही मैं डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूं, −3 आ जाएगा और नीचे r⁴, तो −6P1P2/4π0 r⁴। अगेन नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है भाई कि इस डायपोल की वजह से इस डायपोल पे ऐसे फोर्स आएगा, अट्रैक्शन फोर्स, कितना 6P1P2/4π0 r⁴। ठीक है, और दोनों से रिजल्ट सेम आया, आना भी चाहिए।
अगर दोनों अप्रोच यूज हो रही हैं तो दोनों अप्रोच से रिजल्ट तो सेम आना चाहिए ना। तो अब देखो सेकंड ओरिएंटेशन ऑफ डायपोल्स वो क्या है। मान लो एक छोटा सा डायपोल ये है पी वन और एक ये डायपोल है पी टू, इनके बीच की दूरी ये है आर, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर डायपोल्स हैं छोटे छोटे, ठीक है, और ये जो डायपोल है ना इस डायपोल की इक्विटोरियल पोजीशन पे लाई कर रहा है, समझ रहे हो। तो इनके बीच में फोर्स फाइंड आउट करो, मैं यहां पे क्या फाइंड आउट करने जा रहा हूं, मान लो इसकी वजह से इस पे फोर्स, मतलब फोर्स ऑन पी वन बाय पी टू डायपोल, ठीक है। एक बार इसको विजुअलाइज कर लेते हैं, ऐसे डायपोल मोमेंट है ना इसका, मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा माइनस क्यू वन और यहाँ पे पॉजिटिव क्यू वन, इसका डायपोल मोमेंट ऐसे है, मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ पे पॉजिटिव, माइनस क्यू टू प्लस क्यू टू, ठीक है। तो अब देखो ये पोजीशंस कौन सी है इस डायपोल की, इक्विटोरियल पोजीशंस ही तो हैं, और इस डायपोल की वजह से इक्विटोरियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी डायपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में आएगी, ऐसे यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी और यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी, लेकिन यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा आएगी, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे कम आएगी, और इस क्यू वन पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग आएगा मान लो एफ वन, और इस माइनस क्यू वन नेगेटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आएगा और वो मान लो एफ टू, और क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है और यहां पे ज्यादा है तो एफ टू एफ वन से कम होगा, मतलब एफ वन विल बी ग्रेटर देन एफ टू। तो इस डायपोल पे, इस डायपोल की वजह से नेट फोर्स वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया है एफ, और कितना एफ वन माइनस एफ टू, और यही फाइंड आउट करना होगा मुझे, ठीक है। तो अब देखो क्या यहाँ पे फर्स्ट अप्रोच का यूज कर सकता हूँ, क्या यहाँ पे सेकंड अप्रोच का यूज कर सकता हूँ। तो सबसे पहले सेकंड अप्रोच देखो, सेकंड अप्रोच का यूज कब किया जाता है, जब फोर्स रेडियस वेक्टर के अलोंग आए, इस डायपोल पे इस डायपोल की वजह से फोर्स ऐसे आया वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये पक्का हो गया क्योंकि हमें फील हो गया ना। क्या ये रेडियस वेक्टर के अलोंग है, नहीं है, तो सेकंड अप्रोच का मैं यहाँ पे यूज नहीं कर सकता, ठीक है। अब आओ फर्स्ट अप्रोच, फर्स्ट अप्रोच का क्या मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, चेक करो। देखो फर्स्ट अप्रोच का यूज हम कब कर सकते हैं, जब मैं इलेक्ट्रिक डायपोल के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर पाऊँ। देखो ये डायपोल है ना, इस डायपोल के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर पाऊँ, इस डायपोल के अलोंग का मतलब इस डायपोल पे जो पॉइंट्स है ना, इन पॉइंट्स पे इस डायपोल की वजह से क्या मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकता हूँ, बिल्कुल, क्योंकि ये पॉइंट्स इस डायपोल के इक्विटोरियल पॉइंट्स ही तो हैं, तो इसकी वजह से मैं इन पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। हाँ वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जरूर आएगी, ठीक है। तो फर्स्ट अप्रोच का मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। तो F मतलब इस डायपोल पे, इस डायपोल की वजह से ये तो मेरे को पता चल गया फोर्स ऐसे आएगा F1 माइनस F2 F, लेकिन ये कितना आएगा पी डी ई बाई डी आर फ्रॉम फर्स्ट अप्रोच, P मतलब P1 इंटू में डी ई बाई डी आर। अब देखो यहां से R डिस्टेंस दूर, ये पॉइंट है इक्विटोरियल पोजीशन पे, इस डायपोल की इक्विटोरियल पोजीशन पे, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डायपोल वो ऐसे आएगी बिल्कुल, और कितनी आएगी 1 बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट पी टू बाई आर क्यूब, सही बात है। तो डी ई बाई डी आर क्या हो जाएगा 1 बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट पी टू माइनस थ्री बाय में आर की पावर फोर, ये हो जाएगा मतलब माइनस थ्री पी वन पी टू बाय में फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर की पावर फोर, ठीक है।
तो अब देखो मेरे को ये तो पता चल गया था कि इस डायपोल की वजह से इस डायपोल पे नेट फोर्स ऐसे आएगा एफ। तो आप किसका यूज करना है? फर्स्ट अप्रोच का ऑब्वियसली पी डी बाई डी आर। तो मतलब पी वन डी बाई डी आर का मैग्नीट्यूड ले लो ना, क्योंकि ये तो मेरे को पता चल गया इस डायपोल की वजह से इस डायपोल पे फोर्स ऐसे आएगा। तो अब मुझे तो उस फोर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो पी इंटू में डी ई बाई डी आर का मैग्नीट्यूड ले लो, ठीक है? मतलब मोड, एक तरह से मोड अप्लाई कर दिया तो ये माइनस हट गया, ठीक है? मैंने क्या अप्लाई कर दिया? फोर्स इज इक्वल टू पी वन मोड ऑफ डी ई बाई डी आर, क्योंकि ये तो मेरे को पहले से ही पता चल गया कि इस डायपोल की वजह से इस डायपोल पे फोर्स ऐसे आएगा, एफ वन माइनस एफ टू नेट फोर्स ऐसे आएगा। अब तो मुझे इसका केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव साइन से कोई मतलब थोड़ी ना मुझे कि डायरेक्शन चाहिए। डायरेक्शन तो मेरे को पता चल गई, इस डायपोल की वजह से इस डायपोल पे फोर्स ऐसे आएगा। तो सेकंड अप्रोच का यूज मैं कर नहीं सकता, फर्स्ट अप्रोच का यूज करूंगा। तो एफ जो निकालना है, मतलब एक तरह से इस फोर्स का मैग्नीट्यूड, उसको क्या लो? पी इंटू में मोड ऑफ डी ई बाई डी आर, मतलब पी वन इंटू में मोड ऑफ डी ई बाई डी आर, ठीक है? तो पी वन इंटू में मोड ऑफ डी ई बाई डी आर, डी ई बाई डी आर इतना आएगा। तो इसका मोड लोगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन हट जाएगा, तो थ्री पी टू बाय में फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर की पावर फोर हो जाएगा ना इसका मोड, और इंटू में पी वन कर दोगे तो ये आ जाएगा। क्योंकि मुझे इस डायपोल की वजह से इस डायपोल पे फोर्स की डायरेक्शन तो मेरे को ऑलरेडी पहले से पता चल चुकी थी, अब उसका केवल मैग्नीट्यूड निकालना था। तो नेगेटिव साइन को हम क्यों लें साथ में? तो नेगेटिव साइन को हटा दो ना मोड लेके, ठीक है? तो अब देखो नेक्स्ट केस, थर्ड। मान लो एक डायपोल ऐसे है, डायपोल मोमेंट पी वन, दूसरा डायपोल ऐसे है, डायपोल मोमेंट पी टू, ठीक है? दोनों शॉर्ट डायपोल्स हैं, छोटे छोटे, ठीक है? ये दूरी मान लो R, ठीक है? और देखो दोनों पैरेलल हैं डायपोल्स, और डायरेक्शन भी सेम है। तो इनके बीच में यहां पे फोर्स निकालना है, और मान लो मैं क्या निकालने जा रहा हूं इस डायपोल की वजह से इस पे फोर्स, फोर्स ऑन पी टू डायपोल बाय पी वन, वो निकाल लो। या मैं मान लो ये निकालने जा रहा हूँ इसकी वजह से इस पे फोर्स कितना आएगा, ठीक है? तो एक बार इसको विजुलाइज कर लेते हैं। इस डायपोल को कैसे विजुलाइज करूंगा? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे माइनस के वन चार्ज, यहाँ पे प्लस के वन। इस डायपोल को कैसे विजुलाइज करूंगा? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव टू पॉजिटिव डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है ना। तो यहाँ पे माइनस के ओ टू चार्ज और यहाँ पे प्लस के ओ टू चार्ज। अब देखो इस डायपोल पे, इस डायपोल की वजह से फोर्स निकालना है। तो देखो इस डायपोल में दो चार्ज हैं, माइनस के ओ टू और प्लस के ओ टू। तो माइनस के ओ टू पे इन दोनों की वजह से फोर्स आएगा, प्लस के ओ टू पे इन दोनों की वजह से फोर्स आएगा। तो माइनस के ओ टू पे देखो, माइनस के ओ वन की वजह से फोर्स ऐसे आएगा, रिपल्सिव फोर्स कुछ ऐसे करके, बिल्कुल। और क्यू वन की वजह से माइनस क्यू टू पे अट्रैक्टिव फोर्स आएगा ऐसे, लेकिन कम मैग्नीट्यूड का, क्योंकि ये दूरी कम है ये ज्यादा है, ठीक है? ऐसे आओ यहां पे, इस क्यू टू पे इस क्यू वन की वजह से ऐसे रिपल्सिव फोर्स आएगा, ठीक है? और इस माइनस के वन की वजह से इस क्यू टू पे ऐसे अट्रैक्टिव फोर्स आएगा। ये एरो बड़ा हुआ, ये छोटा हुआ, क्योंकि ये दूरी कम है ये ज्यादा है, ठीक है? अब इन चारों का जो रिजल्टेंट आएगा ना, वो ऐसे आएगा, बिल्कुल ऐसे।
ओरिजेंटली राइट, वो कैसे? देखो इसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व करो, एक ऐसे और एक ऐसे। अब इसको भी दो कंपोनेंट में रिजोल्व करो, एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है। अब इसको भी दो कंपोनेंट में रिजोल्व करो, एक ऐसे और एक ऐसे, समझ रहे हो। इसको भी दो कंपोनेंट में रिजोल्व करो, एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है। तो देखो ये वर्टिकल डाउनवर्ड, ये वर्टिकल अपवर्ड, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, और ये बड़ा ये छोटा, इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे आएगा, ये बड़ा ये छोटा, इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे आएगा। तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, दिस प्लस दिस, तो ऐसे आ गया ना। तो ये पक्का हो गया कि इस डायपोल की वजह से इस डायपोल पे जो फोर्स आएगा ना उसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, और मान लो एफ आएगा। अब ये एफ फाइंड आउट करना है, ठीक है, मतलब इस डायपोल की वजह से इस डायपोल पे रिपल्सिव फोर्स आएगा, एफ कितना आएगा वो फाइंड आउट करो, ठीक है। तो अब देखो क्या मैं यहां पे फर्स्ट अप्रोच का यूज कर सकता हूं, मतलब फर्स्ट अप्रोच का यूज कब किया जाएगा, जब मैं इस डायपोल के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर पाऊं। डायपोल के अलोंग का नहीं, मतलब इस डायपोल पे जो पॉइंट्स है ना जितने भी, इन पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर पाऊं ड्यू टू दिस डायपोल। तो देखो इस पॉइंट पे तो फाइंड आउट कर सकता हूं क्योंकि ये पॉइंट इस डायपोल की इक्विटोरियल पोजीशन पे है। क्या इस पे फाइंड आउट कर सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायपोल की वजह से? नहीं, इस पे नहीं, क्योंकि ये सारे पॉइंट इस डायपोल की इक्विटोरियल पोजिशन पे थोड़ी ना, केवल ये है। तो इस डायपोल के अलोंग, मतलब क्या नहीं, मतलब इस डायपोल पे जितने पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स पे हम इस डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट नहीं कर सकते, केवल इस पे कर सकते हैं। तो फर्स्ट अप्रोच नहीं लागू हो सकती। अब सेकंड अप्रोच पे आओ, सेकंड अप्रोच कब लागू होगी, जब फोर्स रेडियस वेक्टर के अलोंग आए। इस डायपोल पे इस डायपोल की वजह से फोर्स ऐसे आया है ना, क्या ये रेडियस वेक्टर के अलोंग नहीं है बिल्कुल, तो सेकंड अप्रोच का हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, फर्स्ट अप्रोच का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो सेकंड अप्रोच का यूज करने जा रहा हूँ मैं, एफ इजिकल टू माइनस डी यू बाई डी आर, माइनस डी बाई डी आर ऑफ यू। यू मतलब यू क्या है, इस डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी, माइनस पी कोस थीटा से वो क्या होगी, माइनस पी टू इंटू में ई। ई मतलब इस डायपोल की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में आएगी, क्योंकि ये पॉइंट इस डायपोल का इक्विटोरियल पॉइंट हो गया, और ऐसे आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी 1/r³। तो माइनस पी टू इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी 1/r³ इंटू में कोस थीटा। इस डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना आया, 180 डिग्री, तो कोस 180 माइनस 1 तो प्लस हो गया, ठीक है। तो ये आ गया पी 1 P2 बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R³। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस पी 1 P2 बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू में डी बाय डी आर ऑफ 1/r³। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस पी 1 P2 बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/r³ का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -3/r⁴। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 3 P1 P2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R⁴। तो आगे पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव साइन क्या दिखा रहा है, सबसे पहली बात इस डायपोल की वजह से इस डायपोल पे फोर्स ऐसे आएगा, क्योंकि इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान के चलते हैं, इस डायरेक्शन को नेगेटिव। और कितना आएगा, 3 P1 P2 बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R⁴। मतलब इस डायपोल की वजह से इस डायपोल पे रिपल्सिव फोर्स आएगा, मतलब ऐसे, और कितना, 3 P1 P2 बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R⁴, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके ऊपर बेस्ड कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे।